जल शक्ति मंत्री ने लद्दाख में की 25वीं जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता। लोगों ने अपनी समस्या रखी सामने। जल शक्ति बागवानी तथा सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आज विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर के उपमंडल घुमारवी की ग्राम पंचायत लद्दाख में 25वीं जनमंच कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर ग्राम पंचायत मेहरी कातला, लद्दाख, तलवाड़ा, कुठेड़ा, मोरसिंघी, पटेल, भुलसवाय व तलियाड़ा आदि 8 ग्राम पंचायतों के लोगों की समस्याओं और मांगों पर चर्चा करके अधिकतर का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। इस अवसर पर विभिन्न 38 प्रमाण पत्र बनाए गए तथा 441 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। महेंद्र सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश की जनता के साथ सीधा संवाद करने तथा उनकी अधिकतर समस्याओं का त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से आरंभ जनमंच कार्यक्रम सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। गर्मी शुरू हुई है, हमने सभी की छुट्टियां जो है बंद कर दी है। पिछले साल भी हमने कोई टैंकर नहीं लगाए थे, उसे पिछले साल भी कोई टैंकर नहीं लगाए थे, 2018 में हमारे को टैंकर लगाने पड़े थे। इस बार तो हमने बहुत ज़्यादा काम किया है पूरे प्रदेश के अंदर, और अब तो छुट फुट शिकायतें कि मेरे नलके में पानी नहीं आता, इतनी कर शिकायत है। ऐसा नहीं है कि हमारी स्कीमें सूखी पड़ी हैं, ऐसा नहीं है। विभाग पूरी चौकसी के साथ जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर अलर्ट है और काम कर रहा है, और जो जो जैसे जैसे आगे समय आएगा उसके मुताबिक जो है हम हर प्रकार का काम जो है करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, पानी हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, हर घर तक पहुंचाएंगे। ये हमारा आश्वासन है पूरे प्रदेश की जनता को। जनमंच का ही एक उदाहरण के रूप में अभी अभी हमारे सामने ऐसे हमारे हाई जो लोग जो हैं जो अपना इलाज उपचार कराने के उपरांत भी अपाहिज हो गए, जिनको अपना अपाहिजता का हैंडीकैपनेस का जो सर्टिफिकेट है बनाने के लिए वो अस्पताल तक नहीं जा सकते थे, आज उन लोगों के हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट जो है वो भी इस मंच के माध्यम से जो है यहाँ पर बनाए गए हैं, और अभी हमने उनको सर्टिफिकेट जो है दिए हैं। अनेकों ऐसे लाभार्थी योजनाएं जो हैं, जैसे हमारा गैस के सिलेंडर बांटे गए, हमारी बेटियों को कुछ इनाम राशि बांटी गई, एक नई शुरुआत है इस प्रदेश के अंदर, और इस नई शुरुआत को जो हमारे मुख्यमंत्री ने शुरू किया है, इस शुरुआत को अब देश के अन्य राज्य जो हैं वो भी अब इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम कैसे अपने लोगों की समस्या का समाधान उनके घर आंगन द्वार में जाकर के कर सकें, ये अगर शुरू किया है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने किया है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रदेश की जनता की तरफ से, और मैं प्रदेश की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप निसंकोच होकर के जब भी जहाँ भी जनमंच हो वहाँ पर अपनी शिकायत रख सकते हैं, पीने के पानी को लेकर के, सड़कों को लेकर के, स्वास्थ्य की सुविधा को लेकर के, बिजली विभाग बिजली बोर्ड की बातों को लेकर के, राजस्व विभाग की बातों को लेकर के अनेकों मामले आए हैं, और उन मामलों का सबका निवारण जो है वो मौके पर ही कर दिया गया है। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो यहाँ पर संगठन की दृष्टि से भी हमारे पास सबसे सुदृढ़ संगठन है। एक एक स्टेट में वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमारी सरकार वहाँ नहीं थी, पंजाब में, वहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की है। तो उस जीत को हासिल करने के उपरांत उन्होंने अभी गुजरात की तरफ बढ़े हैं, कुछ हिमाचल प्रदेश की तरफ बढ़े हैं, लेकिन पिछले 5 राज्यों के चुनावों में उत्तराखंड में भी उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए, वहाँ पर दो तीन प्रत्याशियों की जमानत बची है, बाकी की सब की जमानत चलेगी। उत्तर प्रदेश में भी 403 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए, वहाँ भी दो तीन प्रत्याशियों की जमानतें बची, बाकी सब के सब जमानतें चलेगी। कोई उनका MLA उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ा, कोई उनका MLA उत्तराखंड में नहीं बढ़ा, कोई उनका MLA जो है वो मणिपुर में नहीं बढ़ा। ऐसी स्थिति में यहाँ इलेक्शन लड़ने का अधिकार किसको नहीं है, हर व्यक्ति लड़ सकता है, वो पार्टी में से भी लड़ सकता है, छोटी पार्टी से भी लड़ सकता है, इंडिपेंडेंट भी लड़ सकता है, हम किसी को रोक नहीं सकते। जो 4 राज्यों के चुनावों के परिणाम रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे हैं, जो नरेंद्र भाई मोदी जी के पक्ष में रहे हैं, जो जगत प्रकाश नड्डा जी के पक्ष में रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में दोबारा से ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विनोद चड्ढा, कुठिंडा, बिलासपुर, R9 भारत।